हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज हम बनाएंगे सर्दियों की हरी भरी सब्जियों के साथ धुली मूंग दाल। ये ना ही केवल स्वादिष्ट होती है बल्कि बेहद पौष्टिक भी। तो चलिए चलते हैं मेरे किचन में, देखते हैं मैं कैसे बनाती हूँ। एक पैन या कढ़ाई ले ले, उसमें 2 कप मूंग दाल डाल दे। अब इसे बिना तेल के अच्छी तरह भूनते रहे जब तक कि ना इसमें से एक सौंधी खुशबू निकल आए। आप देख सकते हैं कुछ दालें अभी थोड़ा ज्यादा ब्राउन हो चुकी है और कुछ अभी तक पीली हैं। यही वक्त है जब आप इसे गैस से उतार लें। अब इसे आप अच्छी तरह पानी से धो ले। ध्यान रहे ये बहुत गर्म होता है, हाथ ना लगाकर करछी के साथ इसे अच्छी तरह धो ले जब तक कि पानी साफ ना निकले। धोने के बाद आप इसे प्रेशर कुकर में डाल दें। इसमें 4 कप पानी डालें। एक चम्मच नमक, आधा चम्मच हल्दी का पाउडर, कुकर में 3 से 4 विसल या दाल जब तक सॉफ्ट ना हो जाए तब तक इसे पकाएं। अब आप एक कढ़ाई ले ले, 3 से 4 टेबलस्पून सरसों का तेल डालें। तेल में डालें 2 दालचीनी, 5 से 6 लौंग और छोटी इलायची, 2 तेज पत्ता, 3 सूखी साबुत लाल मिर्च, 1 चम्मच साबुत जीरा, 3 हरी मिर्च, 2 गोभी और गाजर को छोटे छोटे टुकड़ों में काटकर इसमें डाल दें। इस वक्त आप गैस की फ्लेम को स्लो रखें। मेरी थोड़ी बड़ी थी इसलिए जीरा थोड़ा काला पड़ गया था, लेकिन आप जरूर ध्यान रखें इसका। एक कप हरी मटर डालें, 1/2 चम्मच हल्दी का पाउडर, 1/2 चम्मच नमक, 1 चम्मच लाल मिर्च का पाउडर। इन्हें अच्छी तरह भून ले। एक चम्मच जीरा पाउडर, 1/2 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच गरम मसाला पाउडर, 1/4 चम्मच भून ले।
डेढ़ चम्मच अदरक का पेस्ट डालें। आपको यहाँ पर सभी क्वांटिटी थोड़ा ज्यादा लग सकता है, मेरे घर में मेहमान आने वाले थे इसलिए मैं ज्यादा बना रही थी। आप चाहे तो इसकी क्वांटिटी कम भी कर सकते हैं। दो से तीन टमाटर काटकर डाल दें। कोशिश करें कि टमाटर को गलाइए नहीं, इसे साबुत ही रखें। अब उबला हुआ दाल इसमें डाल दें। सब्जी और मसालों के साथ इसे अच्छी तरह मिला लें और जितना पानी की जरूरत हो आप उसमें डाल दें। अब सभी मसालों को बैलेंस करने के लिए एक से दो चम्मच चीनी डालें। पानी डालने के बाद अगर जरूरत पड़े तो एक चम्मच नमक और डाल दें। एक कप कद्दूकस किया हुआ नारियल डालें। इससे दाल का स्वाद दोगुना बढ़ जाएगा। पांच से दस मिनट तक दाल को और उबलने दें। दाल उबलने के बाद आप ढेर सारी धनिया पत्ती डालें। दाल उतारने से पहले एक से दो चम्मच घी डालें। दाल तैयार है, चलिए इसकी प्लेटिंग कर लेते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। मुझे और प्रोत्साहन देने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा मेरे वीडियोस में लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।